हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे आने वाली 25 तारीख को, तो उसी के रिगार्डिंग हमें एक क्लास का सीरीज़ यहां पे सेशन स्टार्ट किया हुआ है। मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए हम क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, उसी का आज हमारा 4th क्लास रहने वाला है। अभी तक हमने आपके लिए 3 क्लास प्रिपेयर करवा दी है, तो आप जाइएगा। यदि आपने हमारा क्लास नहीं देखा है, तीनों चारों क्लास नहीं देखा है, तो वो जाइएगा और प्लीज़ दोनों तीनों क्लासेस आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल, ये ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है हमारा, जो अभी हम इसमें आपकी वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लासेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एमसीक्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, जो बेसिक टाइप की चीज़ें होती है। और इसमें हमने व्यापम रिलेटेड क्लास भी स्टार्ट की है, तो आप जाइएगा, विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में ओपन करिएगा, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको मध्य प्रदेश व्यापम की सारी क्लासेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जितनी भी मध्य प्रदेश व्यापम की क्लासेस अभी तक हमने कंडक्ट करवाई है, वो सारी क्लासेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, वो आज का हमारा क्लास 4th क्लास रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। जो बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, हर एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वैकेंसी रिलेटेड हुआ, नर्सिंग प्रोफेशन में नया क्या चल रहा है, क्या क्या जानकारी है, वो आपसे आप वंचित नहीं रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे अपडेट को। सो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, जो 23 तारीख को दिसंबर में हुआ था 2021 में, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला था। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, हालांकि हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, वो सबसे पहले वाली फर्स्ट क्लास में आपके सामने डील कर दिया था। आज बात करने वाले हैं हम जो सेकेंड शिफ्ट का, जो 2021 में री एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग का क्वेश्चन है, उसके ही बारे में आप बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहने वाला है, पार्ट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम कवरिंग द मैन्युफैक्चर एंड द टेस्टिंग ऑफ द पैरास फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म ड्रग एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डायग्नोस्टिक फूड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, तो ये किस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो आपका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, वो आपको ग्रीन कलर से देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि कैंडिडेट ने भी सेम ऑप्शन आपके लिए सिलेक्ट किया है, तो वो आपको ग्रीन ऑप्शन से देखने को मिलेगा। और यदि कैंडिडेट ने रॉन्ग सिलेक्ट किया है, तो वो आपको सिल्वर टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और जो उसका राइट आंसर रहने वाला है, वो आपको येलो कलर से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू डायबिटिक रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच लेवल ऑफ द प्रिवेंशन डज इट कम, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किस टाइप के भी क्वेश्चन आपको प्रिवेंशन से रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे। तो जो इसको राइट आंसर रहने वाला है, वो टर्शियरी प्रिवेंशन रहने वाला है। टर्शियरी प्रिवेंशन क्यों रहने वाला है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो टर्शियरी प्रिवेंशन है, क्योंकि उसको डायबिटिक मेलिटस तो हो ही चुका है, अब अपने को क्या करना है, अपने को फर्दर पेशेंट का केयर करना है, तो वो इसमें आएगा, वो टर्शियरी प्रिवेंशन में आएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपके लिए ये चीज़ें रहती कि अभी हुआ नहीं है, हम रिस्क फैक्टर बता रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दिखा रहे हैं, तो वो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। यदि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करना होता है, तो वो आपको सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपका राइट आंसर रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट मैं भी ऐड कर दूंगा, ताकि आने वाले मध्य प्रदेश व्यापम के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो दो पोली एंट्री इज़ द फॉर्म ऑफ द मैरिज विच इम्प्लाइज, जो पोली एंट्री होता है उसको किस में माना जाता है, जिनका जो पोली एंट्री जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो वन वुमेन मैरी सेवरल मेन, जो एक महिला होती है वो काफ़ी कहने वाले मल्टीपल मेन से शादी करती है, उसको पोली एंट्री बोला जाता है। पोलीगैमी भी होता है, जो कि क्या होता है,
कि जो एक मेल होता है वो बहुत सारी फीमेल से मैरिज करता है, तो उसका जो राइट आंसर वो देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो केमसी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द मदर फॉर द एटलीस्ट हाउ मेनी हावर्स इन वन सेटिंग में, तो वो सबसे जो मिनिमम टाइम होता है जो केमसी प्रोवाइड करने का होता है वो कितना होता है, तो आपको जो राइट आंसर रहने वाला है उसका राइट आंसर आपको वन आवर रहने वाला है। एटलीस्ट आपको वन आवर तो आपको देना ही चाहिए। जो केमसी होता है वो क्यों देते हैं, जो केमसी होता है वो हम देते हैं लो बर्थ वेट बेबी को देते हैं। कितने लो बर्थ वेट बेबी होता है जिसको तो केमसी दिया जाता है, तो केमसी के लिए हमारे पास जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसके लिए हम देते हैं। कब बोलते हैं हम लो बर्थ वेट बेबी, तो यदि हमारा जो बेबी का बर्थ हुआ है एट द टाइम वो 2.5 केजी से लेस है तो हम उसको लो बर्थ वेट की कंडीशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो केमसी हम जो देते हैं, केमसी देते हैं तो हम बच्चे को क्या करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो केमसी जो हम देते हैं बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चे को हम कम्प्लीटली फुली तरीके से क्या बोलते हैं विदाउट क्लोथ नहीं रखते हैं, हम उसको सॉक्स और कुछ चीज़ें उसको पहना के रखते हैं। ठीक है, और केएमसी जो होता है वो केएमसी फैमिली का कोई भी मेंबर, मदर फादर दोनों में से भी कोई भी दे सकता है। ठीक है, ये केएमसी के कुछ एडिशनल पॉइंट है, आपको अच्छे से रीड करके जाना है कि केएमसी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज माउथ एंड द टंग इज यूज टू डील विथ स्ट्रेस, तो जो कौन सी स्टेज में आपका माउथ और टंग यूज़ होता है, तो जो ओरल स्टेज होती है उसमें आपको देखने को मिलता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर, कल्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या देखने को मिलता है, तो जो कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है कल्चर इज़ अ क्या देखने को मिलता है, तो कल्चर जो होता है हमारा वो संस्कृति सीखी जाती है। कल्चर होता है वो लर्नेट रहता है, मतलब कभी भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, व्हेन द गोल आर नॉट सेटिस्फाई और थ्रोइंग इट लीड्स, तो यदि आपका गोल सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका जो रिएक्शन रहता है वो आपको क्या हो जाता है, वो आपको फ्रस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। पीएससीज अंडर द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेड बाय द, जो पीएससी होता है ये सीएससी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन देखने को मिला है। जो पीएससी हमारा होता है उसका किसके द्वारा रिकमेंडेड हुआ था, जो भोर कमेटी होती है उसके द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेड हुआ था। आई थिंक जो भोर कमेटी होती है 1943 के अराउंड आई थिंक ये आया हुआ था, या 1943 या 1940 के अराउंड आपको देखने को मिला था। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको इसके जो सन वगैरह होता है वो भी अच्छे से याद करना है। इस पर थोड़ा डाउटफुल है, एक बार अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम भी आपको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या है, मुदलियार कमेटी है, प्लानिंग कमिश्नर कमेटी है और करतार सिंह कमेटी है। तो आपको क्या करना है, आपको सारी ही कमेटी के सन वगैरह अच्छे से याद करके और अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें से क्या है, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, एक्सेप्ट है मतलब के सिवाय। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बट आयरन कोई आपको वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऑल एक्सेप्ट में नहीं आएगा। इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन, देखो मैं आपको अच्छे से लैंग्वेज में बता देता हूँ। निम्नलिखित में थे पोषक में से कौन सा नहीं है, मतलब द मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब ये बात पूछी गई है आपसे इस क्वेश्चन में कि जो तीन तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है, एक जो गलत आंसर है वो गलत आंसर आपको छाटना है। ठीक है, आ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन चिल्ड्रन, यदि आर डेफिशिएंसी इन विटामिन डी कोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन चिल्ड्रन, तो जो क्या बोलते हैं आ डेफिशिएंसी होती है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो बच्चों में क्या करवाती है, तो बच्चों में भी वो ऑस्टियोपोरोसिस करवाने को देखने को मिलती है। ठीक है, वेट एक मिनट, हो थोड़ा सा और चेक करना है। ओके ओके, ठीक है, जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो ऑस्टियोपोरोसिस में देखने को मिलेगी, बट मेरे को इसमें एक डाउटफुल ये जा रहा है जब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज सच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड एक्टिविटीज द एंजाइम इज, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, है ना, और एक्टिविटीज एंजाइम, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, इंटेलिजेंट लिस्ट एडमिनिस्टर टू एन इंडिविजुअल ऑन द डिफरेंट डेज इट गिव्स अ सेम आईक्यू स्कोर देन द टेस्ट इज कॉल्ड एज,
तो क्या बोला जाता है उसको, हम रिलायबल टेस्ट बोला जाता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, आर नर्स इज डेवलपिंग केयर प्लान फॉर अ क्लाइंट्स विद द कैंसर रिसीविंग होपलेस केयर विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द मैनेजिंग क्लाइंट्स क्रॉनिक पेन। तो एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक वेन वाइटल साइंस इंडिकेट इंक्रीज पेन सीवियरिटी, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो A1 रहने वाला है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो विच टाइप ऑफ द रिसर्च इन्वॉल्व सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग एंड द एक्सपर्ट पैनल टू अचीव कंज्यूम। तो जो होती है डेफली सर्वे आपको देखने को मिलती है, कौन सा देखने को मिलता है, जो डेफली सर्वे होता है उसको, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है। इस तरह से इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ दोज थिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल एंड मेंटेल हिमसेल्फ एंड दोज डिपेंड अपॉन हिम। तो उसके बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉवर्टी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जो उसका राइट आंसर रहने वाला है, उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, पॉवर्टी रहने वाला है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज फीमेल इज कॉल्ड द मेनार्की बोला जाता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेनार्की कब आता है, जो फीमेल का जो नॉर्मल एज होता है वो मेल और फीमेल का दोनों का अलग होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जो फीमेल मेल और फीमेल का आपको अलग अलग देखने को मिलता है। जो मेनार्की आता है वो आपको अराउंड कितने 12 to 13 क्या बोल सकते हैं 13 साल तक आपको 11 से 13 साल आपको देखने को मिलता है एक फीमेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी स्टेट विच इज मैनिफेस्टेड बाय द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम इलनेस बोलते हैं। द विंड पाइप ऑफ द ऑल्सो कॉल्ड इज ट्रेकिया, विंड पाइप का किसको बोला जाता है, तो विंड पाइप हम किसको बोलते हैं, हम ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया में एक और जो क्वेश्चन बनता है कैरिना पॉइंट होता है, वो भी आपको ट्रेकिया में देखने को मिलता है। विच टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है उसमें किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है, तो उसमें 4 टाइप की आपकी हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। 4 टाइप्स का आपका हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है, जो डिले हाइपर सेंसिटिविटी होता है जो 4 टाइप का आता है, जो 4-1 आपको देखने को मिलती है, और ड्रग्स से रिगार्डिंग भी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है। देन बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, अ क्लाइंट हैड अ क्रेनियोटोमी फॉर द रिमूवल ऑफ द मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर इन द ऑक्सीपिटल रीजन। द नर्स शुड क्वेश्चन अ परसेप्शन ऑफ विच ऑफ द दिस ड्रग्स, सो मॉर्फिन सल्फेट आप इसको देंगे। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि आपका जो क्लाइंट हो रखा है ये आपके पेन वगैरह को कम करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और आपके प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, एनाटॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर द ऑर्गेनाइज, क्या लिखा हुआ है, जो राइट आंसर रहने वाला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन विच डिज़ाइन द डाटा इज कलेक्टेड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफ द इंटरवेंशन इज इंस्टीट्यूट, टाइम सीरीज और डिज़ाइन, टाइम सीरीज और डिज़ाइन इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग द डिजीज बेन टेस्ट इज पॉजिटिव, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, वट आर द टू होल्स ओन नोस कॉल्ड द, उसको क्या बोला जाता है, इसको हम नोस्ट्रिस बोला जाता है। द मीनिंग ऑफ द फिडेलिटी इज काउंसलिंग इज द ट्रस्ट बर्थिस ऑफ द काउंसलिंग, जो क्या बोलते हैं, सलाह, काउंसलिंग में ईमानदारी का अर्थ है। जो काउंसलिंग होता है वो फिडेलिटी किस में डिपेंड करती है, तो वो आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ट्रस्ट आपका होना चाहिए। काउंसलिंग और काउंसलिंग के बीच में जो बातें होती है वो किसी को बताई नहीं जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द इम्यूनिटी इज सीन इन सम पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड द मिड ट्रेनिंग कोस्ट ऑफ द दे डेवलप रेसिस्टेंस टू द प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, हार्ड इम्यूनिटी। ठीक है, किसी भी पर्सन को हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक बड़े एरिया में एक बड़े लेवल पे आपको जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उससे रेसिस्टेंस हो जाती है, तो वो किस टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है, वो आपको हार्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, द पब्लिक हेल्थ सेंटर एंड द सब सेंटर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट, तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर डिपेंड करता है। ठीक है,
जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है वो कितने हज़ार की पॉपुलेशन पर आपको देखने को मिलता है, और भाई बात करें हमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं वो उसमें कितने डॉक्टर्स होते हैं, कितने नर्सेस वर्क करता है, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है उनका पॉपुलेशन आपको अच्छे से रीड करके जाना है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही नहीं, आपको क्या करना है, आपको CSC PSC और क्या बोले सब सेंटर का भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, सेपरेशन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द प्लासेंटा एंड द स्लाइड डाउन द बर्थ कैनाल लाइक टू फोल्डेड अ अम्ब्रेला, दिस मैटर ऑफ द प्लासेंटा सेपरेशन रेफर्स टू द सुल्ज मैकेनिज्म बोला जाता है इसको, कि जिससे हम निकालते हैं, ठीक है, प्लासेंटा को रिमूव आउट करते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ द साइको एनालिटिक थ्योरी, तो इसको क्या बोला जाता है, साइको एनालिटिक थ्योरी के फादर क्या कौन है, सिगमंड फ्रॉयड इसके साइको एनालिटिक के फादर रहने वाले हैं। प्रोटीन आर द मेड अप ऑफ द सिंपलर केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द, जो प्रोटीन होता है वो हमारा किससे बना होता है, वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। द नर्स इज एक्टिवली लिसनिंग इन द पेशेंट टॉक एंड देन रिपीट दोज थ्रो एंड द फीलिंग टू द पेशेंट विच ऑल्सो नोट, तो रेस्टिंग बोला जाता है, फिर से कहना होता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, सेकंड क्वेश्चन जो रहने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टार्टिंग बोला जाता है, क्योंकि अब वो कहेगा कि आपको फिर से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, विच प्राइमरी केमिकल मेडिएटर इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग फर्स्ट वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल गए, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, हेलुसिनेशन और द रोंग परसेप्शन में ओकर अब्सेंट ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई, हेलुसिनेशन कब होगा आपको, हेलुसिनेशन और रोंग कब देखने को मिलता है, जब आपका अब्सेंस ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई होता है, जब आपको देखने को मिलता है। हु इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न एपिडेमोलॉजिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन, तो वो इसको क्या बोला जाता है, जॉन स्नो को फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या क्या भी, हिपोक्रेट्स होता है फादर ऑफ द मेडिसिन होता है, जोसेफ लिस्टर होता है जो किस में होता है, पेनिसिलिन का जो वर्क वगैरह किया था उसको हम जोसेफ लिस्टर के नाम से जानते हैं। अ क्लाइंट हैज रिसीव्स नंबरस डिफरेंट एंटीबायोटिक एंड नाउ इज एक्सपीरियंसिंग डायरिया, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ प्रिस्क्राइब अ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, द नर्स शुड इंस्टीट्यूट, तो जो इसका रहने वाला है वो क्या देखने को मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है पेशेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बारे जो 36वां क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, 36वां, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर द डिकोक्सिन टॉक्सिसिटी, इज सीरम लेवल इंडिकेट डेट इज क्लाइंट इज लो पोटेशियम लेवल, ठीक है। यदि आपको लो पोटेशियम लेवल देखने को मिलेगा तो आप बोल सकते हो कि पेशेंट को डिकोक्सिन टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिल जाता है। जो डिकोक्सिन होता है वो क्या करता है, आपको लो पोटेशियम लेवल आपके देखने को मिल जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द मेनली इन्वॉल्व इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल, तो इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको ये देखने को मिलेगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग डेट इज प्रोमोशन ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज एनिमेशन, ये आपको किस में देखने को मिलता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपको होलिस्टिक केयर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, विच मैटर डज नॉट बिलोंग्स टू स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको टेंडलाइजेशन बोला जाता है। विच मैटर जो हम विच इज नॉट बिलोंग्स टू द स्टरलाइजेशन बिलो, जो डिग्री होती है, आपको क्वेश्चन को क्या है अच्छे से रीड करना है। इसमें एक चीज़ आपने गौर की थी, इसमें नॉट लिखा हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं, टेंडलाइजेशन के रूप में हम यूज़ करते हैं, फ्लेश मैटर नहीं कहते हैं। फ्लेश मैटर का मतलब होता है जो वो एकदम से, फ्लेश मैटर का मतलब ये होता है कि हम एकदम से जो चीज़ें होती ना उसको, जैसे ना कभी कभी अपन जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, गैस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो फ्लेश मैटर होती है, ठीक है। टेंडलाइजेशन का मतलब होता है विच मैटर डज नॉट बिलोंग्स टू स्टरलाइजेशन बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो सारी जो होल्डर मैटर होती है और जो मैटर होती है वो सारी बिलो ही 100 डिग्री के अंडर में आती है। जो टेंडलाइजेशन होता है वो अबव द 100 डिग्री के उसमें आता है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको 100 डिग्री रहने टेंडलाइजेशन रहता है। पेशेंट विद द सिज़ोफ्रेनिया द वेस्ट टेज रिपोर्ट सो इंक्रीज डोपामाइन लेवल,
सिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, आपका डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, डोपामिन का लेवल आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। सेरोटोनिन लेवल होता है डिक्रीज, नेफ्रोलिन होता है। तो अच्छे से याद रखना है आपका कि जो सिज़ोफ्रेनिया होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, आपको सीरम इंक्रीज डोपामाइन लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आज की हमारी जो क्लास है वो हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। आज की जो क्लास थी हमने यहाँ पे आपके लिए 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड किए हैं, 40 क्वेश्चन रिगार्डिंग आपको हमने क्लास में डील किया है। इसके रिगार्डिंग यदि किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, आपके हर डाउट को क्लियर करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और जो बाकी का जो इस एग्ज़ाम पेपर का जो एंड है वो हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम डील करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आने वाले 25 नवंबर को व्यापम के मध्य प्रदेश में आप लोग अच्छे से मार्क को गेन कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ आपको हर टाइप ऑफ वैकेंसी की अपडेट और क्लासेस और नर्सिंग प्रोफेशन में नया क्या चल रहा है सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।